जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। हर किसी को अपने चेहरे पर एक आकर्षण चाहिए। बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर कोई चाहता है कि उसके प्रति लोग आकर्षित रहें, उसकी तारीफ़ करें, उसे देखकर अच्छा बोलें। चेहरे की त्वचा, आंखें, नाक, ये सारी चीज़ें तो ईश्वरीय देन है, ये आपको ईश्वर द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन कई कई बार ऐसे चेहरे जिनकी आंखें बहुत अच्छी नहीं हैं, जिनकी स्किन बहुत अच्छी नहीं है, जिनका रंग गोरा नहीं है, फिर भी उनमें आकर्षण कमाल का होता है। आकर्षण देने वाला जो ग्रह होता है ना, वो शुक्र होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैंने अपने जीवन के अंदर जो चीज़ें अनुभव की हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जिसकी कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा भी अच्छा होगा, शुक्र चंद्रमा का एक्सचेंज होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गजब का आकर्षण रखेगा। चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठा होगा तो भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आकर्षण भरपूर रहेगा। पर क्या आप ये जानते हैं कि आकर्षण के लिए कुछ और चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी होता है? और आकर्षण केवल आपको ग्रहों से नहीं, किन्हीं और चीज़ों से भी प्राप्त होता है। आकर्षण कुछ ऐसी सिद्धियां, मंत्र और कुछ ऐसे तांत्रिक उपायों से भी प्राप्त होता है जो आपने ना आज तक कभी सुना होगा ना कहीं पढ़ा होगा। कुछ ऐसी ही रोचक चीज़ें, कुछ ऐसी ही अद्भुत बातें और कुछ ऐसी ही अनसुलझी चीज़ें आज आपके सामने लेकर आई हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। एक ज़माना था जब राजा, महाराजा, रानियाँ अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय करते थे। क्या आपको पता है, बाहर विदेश में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ की रानियाँ अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से तांत्रिक क्रियाएं कराती थीं। जानवरों के कलेजे की आहुति दिलवाकर बहुत सारी ऐसी तांत्रिक शक्तियों को जागृत करती थीं, जिनसे उनका आकर्षण, सुंदरता बढ़े। बहुत सारी ऐसी हमारे हिंदुस्तान में भी रानियां रही हैं जिन्होंने अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए बड़े अजीब से ऐसे काम किए हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते। जैसे कि एक रानी रहीं जिन्होंने अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए लोगों के रक्त से नहाना चालू किया, वो अपने बाल लोगों के खून से धोती थी। एक रानी थी जिन्होंने छोटे बच्चों की बलियां देकर उन्हें सिद्ध कराकर अपने आकर्षण और अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आत्माओं को बुलाकर विशेष तंत्र प्रयोग कराए। ये चीज़ें एक सदी के अंदर बहुत ज़्यादा की जाती थी। जब इन चीज़ों को गलत ज्ञान के साथ लोगों के सामने पेश किया जाता था और वो अपने जीवन में आकर्षण, सुंदरता बढ़ाने के लिए दूसरे को जीवन को नष्ट कर दिया करते थे। पर हम बात करें 2022 की, आज की डेट में आकर्षण को बढ़ाने के लिए, ग्लो को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं चूँकि आपकी गुरु भी हूँ, सारथी भी हूँ और ठाकुर जी की एक बहुत प्रिय भक्त भी हूँ, और मेरे ठाकुर जी से ज़्यादा आकर्षण को कौन समझेगा? किसके पास होगा इतना तेज, किसके पास होगा इतना मजबूत चंद्र और शुक्र जो किसी को भी अपना बना ले। रंग भी सांवला, उसके बावजूद भी हर कोई उनका दीवाना। मुझे ऐसा लगता है सुंदरता, आकर्षण
जिसको चाहिए उसे अपने अंदर सबसे पहले जिस चीज़ को जागृत करने की ज़रूरत है वो है प्रेम। जिसके अंदर प्यार होगा ना, उसके चेहरे पर आकर्षण अपने आप आ जाएगा। जिसका मन साफ होगा, जो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचेगा, जिसके मन में कभी किसी के लिए बुरे विचार नहीं आएंगे, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, जो कभी किसी के लिए गलत भावना नहीं रखेगा, जिसके थॉट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ऐसा इंसान ठाकुर जी के आशीर्वाद से बहुत सुंदरता लेकर आएगा, बहुत सुंदर होगा। आपने भी कई बार देखा होगा, मैं इसलिए आपसे ये बात कर रही हूँ क्योंकि आज हम 2022 में जी रहे हैं। हमारे इंडिया से बहुत सारी सुंदरियाँ हैं जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। आपने कभी उनके क्वेश्चन आंसर राउंड सुने? उनके ना आंसर्स बड़े यूनिक होते थे और ऐसे होते थे जिसमें वो ये दिखाती थी, बताती थी कि वो क्या फील करती हैं पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए। उनके हर एक जवाब में एक इमोशनल अटैचमेंट होता था जिसकी वजह से उनके अंदर से सुंदरता बाहर आती थी। कौन क्या कर पाया या क्या नहीं, यह तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आकर्षण और सौंदर्य बढ़ाने की सबसे बड़ी कुंजी है अपने अंदर सही रूप से प्रेम को जागृत करना और अंदर से मन को सुंदर बनाना। तन अपने आप सुंदर हो जाएगा, आपकी एक मुस्कान पर ही लोग फिदा हो जाएंगे। फिर सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो आता है आपका खान पान। हम कैसा खाते हैं, हम कैसा पीते हैं, इसके ऊपर भी हमारी त्वचा, हमारा आकर्षण बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे सारथी परिवार के बच्चे हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जिन्हें यहाँ के पूजा पाठ या प्रयोग करने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपको अपना आकर्षण बढ़ाना है, आपको अपना ग्लो, अपनी सुंदरता को बढ़ाना है, तो आपको एक काम करना चाहिए। पानी का एक ग्लास ले लीजिए। इस पानी के ग्लास के अंदर 2 बूंद शहद डाल दीजिए। मुझे लगता है सारी कंट्रीज़ में शहद तो मिलता ही है। उसके बाद इस पानी को किसी चीज़ से ढक दीजिए। इसके ऊपर लिख दीजिए 3, 1, 2, 5। इस ग्लास के ऊपर या तो पेपर पर लिखकर चिपका दीजिए या ग्लास पर ही आप मार्कर से लिख दीजिए। 2 से 3 घंटे इस पानी को रखे रहने दीजिए और उसके बाद आप इसे पी लीजिए। लगातार 15 से 20 दिन ये उपाय करके देखिए। आपको अपने अंदर आकर्षण भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ग्लो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपको अपनी त्वचा में भी इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कर लीजिए। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना पॉजिटिवली आप चीज़ों पर रिएक्ट करेंगे, आपकी जितनी अच्छी सोच होगी उतना ज़्यादा आपका आकर्षण बढ़ेगा। ऑरा बढ़ जाता है बेटा, आपके इर्द गिर्द की पावर बढ़ जाती है, इस वजह से लोग आपके पास खिंच कर आने लगते हैं। चलिए, जो लोग बहुत जल्दी नज़र खा जाते हैं, इस वजह से उनकी स्किन का कलर चेंज होता है, उनका चेहरा जो है वो डल हो जाता है, चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, रूखापन आने लगता है, खुश्की आने लगती है। ऐसे लोगों को अमावस के दिन काले रंग के कपड़े के अंदर काली दाल रखकर ज़रूर दान कर देनी चाहिए। और जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, ऐसे लोगों को अमावस की रात्रि में आपके घर के साउथ वेस्ट में एक ब्लैक कलर की कैंडल ज़रूर जलानी चाहिए और 11 टाइम्स आपको क्लिम मंत्र का चैंट करना चाहिए। चलिए, मैंने आज मिला जुला आपको इसीलिए रेमेडी दिया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि हम बाहर से हैं, हमारे यहाँ ना चौराया होता है ना पीपल का पेड़ होता है, तो आप लोगों को अब दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ये काम करिएगा। अब आज का महा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले आपको कुछ वास्तु की चीज़ें बताना चाहती हूँ। जिन लोगों की त्वचा के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं,
ऐसे लोगों को अपने घर के नॉर्थ जोन में नारियल का तेल रखना चाहिए और उसे आपको सुबह नहाने से पहले थोड़ा सा अपने चेहरे पर और अपनी बॉडी पर ज़रूर लगा लेना चाहिए। इससे एक तो आपकी रूखी त्वचा भी बिल्कुल खिलने लग जाती है, दूसरा नारियल का अगर प्योर तेल होगा तो वो आपकी स्किन के ऊपर से सारे दाग धब्बे बिल्कुल हटा देगा, और तीसरा ये आपके लिए एक ज्योतिष के हिसाब से रेमेडी भी है। चलिए जी, जिन लोगों के घर के अंदर नॉर्थ पोर्शन हमेशा खराब रहेगा, ऐसे लोगों का आकर्षण कभी नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि लोग हमेशा उनसे दूर भागेंगे। इसलिए अपने घर का नॉर्थ जोन हमेशा अच्छा रखिए। चलिए अब जाते जाते आपको दे देती हूँ आज का सारथी महा उपाय। आज के सारथी महा उपाय में हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक चाहिए हमें नींबू, पीले रंग का, मार्केट में आराम से मिल जाता है, और साथ में शहद। आपको नींबू और शहद अपने मंदिर में रखना है 3 दिन तक लगातार। आपको अपने मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको दुर्गा सप्तशती का कीलक पाठ करना है, और 3 दिन के बाद शहद में इसी नींबू को काट कर इसका रस मिला लेना है, और उसके बाद आपको लगातार 11 दिन इसका तिलक अपने मस्तिष्क पे लगाना है। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपसे आकर्षित हो जाए, तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। कोई विशेष मीटिंग में जाना हो, किसी को आपको प्रपोज करना हो, या किसी को आपको अपने प्रति खिंचाव पैदा करना हो, तो इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।